स्वागत है साथियों आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। इस सीरीज है साथियों एडिटोरियल है जो आज के हिंदुस्तान के संपादकीय में दिया हुआ है, जो वरिष्ठ पत्रकार आरती आर जीरथ के द्वारा लिखा गया है। आज का टाइटल है सीधी लड़ाई के उलझे समीकरण। कहा जा रहा है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भाजपा का जो बहुमत कुछ दांव पर लगा है, मगर अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह उसकी दाल जो है गलने नहीं देना चाहते। मैं आपको बोल्ड करके दिखा दूं, कहा जा रहा है कि तिथियों की जो है घोषणा के साथ जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव का आधिकारिक आगाज हो गया है। कहने के लिए चुनाव मैदान में तीन प्रमुख दल आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के सामने है, लेकिन कुछ मुकाबला आप और भाजपा के बीच ही है। खास तौर से भाजपा के लिए यह चुनाव काफ़ी मायने रखता है। इसकी कम से कम तीन वजह है। पहली, हाल फिलहाल के अन्य विधानसभा चुनावों में उसे मनमानी फिक जो है सफलता नहीं मिल सकी, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए जीत की जो है खुराक जरूरी है। दूसरी, दिल्ली पूरी तरह से जो है शहरी राज्य है, जहां गांव नाम मात्र के हैं, क्योंकि बीते चुनावों से यही साबित हुआ है कि शहरी क्षेत्रों में भाजपा की अच्छी पकड़ है। लिहाजा यहाँ यदि हार हुई तो उसके शहरी वोट बैंक भी छिटकने की बात कही जाएगी। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि भी यहाँ दाव पर है। आगे कहा जा रहा है कि मगर सबसे जो है महत्वपूर्ण चुनाव होने के बाद भी सबसे लचर राजनीतिक भाजपा की ही दिख रही है। उसकी सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद जो केजरीवाल के ब्रक्स कोई चेहरा पास नहीं है। पहले मनोज तिवारी को सामने लाने की योजना बनती दिखी थी, लेकिन वह दिल्ली वाले नहीं हैं और बाहरी पूर्वांचल होना भी संभवतः उसके खिलाफ चला गया। अब विजय गोयल, हर्षवर्धन, हरदीप सिंह पुरी, प्रवेश वर्मा जैसे कई नाम सामने आ रहे हैं, जिससे यह लग रही है कि पार्टी में आंतरिक कलह पुरजोर है। फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ना भी भाजपा की जो है रणनीति चूक मानी जाएगी। यह गलती उसने हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में भी की थी, जिसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ा था। महाराष्ट्र और हरियाणा में अनुच्छेद 370 पर उसने भरोसा किया था, तो झारखंड में राम मंदिर, सिटीजन रजिस्टर और नागरिकता संशोधन अधिनियम अब कानून पर। दिल्ली में पिछले दिनों हुई प्रधानमंत्री की रैली में चर्चा नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की ही होती रही, जिससे लग रहा है कि यह पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेगी। परसेप्शन यानी धारणा के मोर्चे पर भी भाजपा पिछड़ती दिख रही है। खास तौर से जामिया इस्लामिया और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुए हंगामे और पुलिस की भूमिका को लेकर भाजपा नौजवानों के निशाने पर है। इस घटनाओं से यही संदेश गया है कि राज्यों में सुरक्षा और कानून व्यवस्था नाम मात्र की ही बची है, जबकि यहाँ पुलिस सीधे सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है। जामिया के पुस्तकालय में पुलिस की कार्रवाई और जेएनयू में पुलिस बल की मौजूदगी में प्रोफेसरों की पिटाई लोगों को काफ़ी आक्रोशित किया है। वे इन घटनाओं का ठीकरा परोक्ष जो है रूप से गृह मंत्रालय पर ही फोड़ रहे हैं। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल बहुत संभल कर कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने चुनावी बहस को अपनी सरकार के कामकाज पर केंद्रित कर रखा है। स्वास्थ्य सेवा में सुधार, बिजली पानी में दी जा रही रियायत, स्कूलों की निखरती सेहत जैसी कई उपलब्धियों का वह जिक्र कर रहे हैं। राष्ट्रीय मुद्दे से वह दूरी बरत रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ भी एकाध बयान देकर के उन्होंने चुप्पी साध ली, तो जामिया जेएनयू जैसे मामलों का भी निंदा करने तक कि उन्होंने खुद को सीमित रखा। वह जानते हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों में उनके हाथ तंग हैं। स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ने का मौका भाजपा के पास हो सकता था। वह दिल्ली नगर जो है निगम MCD के माध्यम से ऐसा कर सकती थी, मगर लंबे वर्षों से इस पर कब्जा रखने के बाद भी उसने कुछ खास काम नहीं किया। MCD के अधीन दिल्ली की कई सड़कें हैं, लेकिन उसकी दशा काफ़ी खराब है। साफ सफाई और कूड़ा कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी निगम के पास है, मगर यहाँ भी गिनने लायक उपलब्धि उसके खाते में नहीं है। हालांकि कुछ कच्ची कुंडलियों को नियमित करने का सेहरा वह अपने सिर पर जरूर बांध रही है, जिसका ऐलान
बीते दिनों किया गया था, मगर यह वादा अब भी तक जमीनी जमीन पर नहीं उतर सका है। जाहिर है मतदाताओं पर यह शायद ही असरअंदाज हो। आम आदमी पार्टी के लिए अनुकूल यह भी है कि उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के कोई विवाद नहीं है। अरविंद केजरीवाल यह चुनाव चेहरा पर लड़ते भी दिख नहीं रहे हैं। उन्हें एहसास है कि नरेंद्र मोदी का चेहरा उन पर भारी पड़ सकता है, विशेषकर लोकसभा चुनाव में। भाजपा को विशाल बहुमत मिलने के बाद वह नरेंद्र मोदी की आलोचना करने से बच रहे हैं। उन्हें प्रधानमंत्री से मिलकर दिल्ली के विकास में मदद का आश्वासन भी मांगा था। वह राष्ट्रवाद जैसे विवादों में भी नहीं उलझना चाहते। भारतीय जनता पार्टी के बेशक जेएनयू मामले में आम आदमी पार्टी को घिसट कर चुनावी विमर्श का रुख मोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आपने इस पर कोई खास प्रतिक्रिया ना दे करके अपना मत साफ कर दिया है। रही बात कांग्रेस की, तो वह बिल्कुल शांत दिख रही है। उसकी तरफ से न कोई चेहरा सामने आया है, न किसी तरह के नारे उछाले गए हैं, और न ही वह कोई अभियान चला रही है। यह स्थिति आपके हक में जा सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट ही आपके खाते में गया था। यही वजह है कि भाजपा की मंशा कांग्रेस को मैदान में लाने की है। लोकसभा चुनाव में भी अब जो है कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ रही थी, तो फायदा भाजपा को हुआ था। यहाँ मुझे पिछले विधानसभा चुनाव का एक किस्सा याद आ रहा है। उस चुनाव अभियान में जब भाजपा को यह एहसास हुआ कि कांग्रेस के कमजोर पड़ने का फायदा आप उठाने जा रही है, तो आखिरी दिनों में कांग्रेस की चुनावी रैलियों में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भी परोक्ष रूप से हिस्सा लिया। उसे लगा कि शायद उसे इससे मतदाताओं को यह संदेश जाएगा कि कांग्रेस भी दमखम के साथ मैदान में है, पर भाजपा की यह रणनीति सफल नहीं हो सकी। इस बार भी वह कुछ वैसे ही तस्वीर है। ऐसे में पिछले विधानसभा चुनाव जैसी रणनीति इस बार भी देखने को मिले तो कोई हैरत नहीं। ये साथियों लेखिका के अपने विचार थे, जो वरिष्ठ संपादक है मित्रों आरती आर जे रथ। जो साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन जाए मित्रों तो आप तक जल्द से जल्द मिल सके। और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।